क्या आप जानते हैं ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर किसी रिसर्च को इसलिए नहीं निकालते कि वो निकालना चाहते हैं, पर इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या फिर उसको काउंटर अटैक करना चाहते हैं। अब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बुक्स कहती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसी एक थ्योरी को जिसे कहते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जो दी गई थी क्राइक एंड लोकार्ट के द्वारा, जो क्रिटिसाइज करते हैं एटकिंसन एंड सिफ्रिंस के स्टेज मॉडल को। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट बॉक्सेस बने हुए हैं। पहले कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में जाएगी, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ब्रेन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है दो तरीकों से। एक होती है शैलो प्रोसेसिंग, मतलब ऊपर ऊपर से किसी भी चीज़ को हमने प्रोसेस किया, उसको एनालाइज किया, और दूसरी होती है डीप प्रोसेसिंग, जिसके बारे में हमने ज़्यादा डीपली सोचा। शैलो प्रोसेसिंग में ज़्यादातर आते हैं कलर्स, किसी भी चीज़ का फॉन्ट आता है या फिर उसकी आवाज़ें आती हैं, और डीप प्रोसेसिंग में आते हैं हमारे, जैसे अगर हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं तो हम या तो उसके साथ किसी पैटर्न को मैच करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक एनालाइज करते हैं, उसको अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे होती है डीप प्रोसेसिंग और वो चीज़ हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, हर बर्थडे पार्टी में केक तो होता ही है। ये केक था रेड कलर का, कार मूवीज़ का कार। अब आपके साथ ये कार मूवीज़ की बहुत ही अच्छी यादें हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ये मूवी देखी थी, आपको ये मूवी बहुत पसंद आई थी और आपको अपनी फ्रेंडशिप की बातें याद आ गई और उस मूवी के सीन याद आ गए। तो जब अब आप घर भी चले जाएंगे, आप इस केक के बारे में नहीं भूलेंगे क्योंकि आपने इसको केक को अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट किया, तो ये बन गई आपकी डीप प्रोसेसिंग। पर इसकी जगह अगर आपने कार मूवीज़ नहीं देखी होती, आपको पता भी नहीं है कि कार मूवीज़ क्या है, आपकी कोई उसके साथ पुरानी रिलेशनशिप नहीं है या फिर कोई भी एसोसिएशन नहीं है, तो आप घर में जाके उसके बारे में भूल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जिस भी किसी चीज़ के साथ हम अपना एक्सपीरियंस रिलेट कर पाते हैं या फिर उसके साथ कुछ पैटर्न को मैच कर पाते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में डीपली प्रोसेस होती है और उसे हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। और उसके बाद वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा माइंड जो है पहले ही एनालाइज कर लेता है कि इस चीज़ को किस तरीके से हमें प्रोसेस करना है। जैसे कि हम किसी भी इवेंट में जाते हैं तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, यहाँ पे कुछ और हो रहा होता है, वहाँ पे कुछ और हो रहा होता है, पर हमें पता होता है कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो हम कुछ ही चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद उसके डिपेंड करता है कि उन्हें हमें डीपली एनालाइज़ किया है या फिर हमने उन्हें ऊपरी तरीके से, मतलब उसको शैलो तरीके से प्रोसेस किया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल ले लेते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का एग्ज़ाम है अगले दिन। एक फ्रेंड पूरी मेहनत से पढ़ रहा है, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ रहा है, और दूसरा फ्रेंड बहुत ही रिलैक्स है क्योंकि उसको पता है कि उसके आगे वाला रोल नंबर जो है उसका फ्रेंड का है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो उसको सारा पेपर दिखा देगा एग्ज़ाम में। अब अगला दिन एग्ज़ाम का दिन शुरू हो गया, दोनों का एग्ज़ाम आ गया, एक के पीछे एक दोनों बैठे हुए हैं। अब जो फ्रेंड पढ़ के आया था, उसने क्वेश्चन पेपर को देखा, उसने देखा हाँ ये क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े हैं, चलो उसने अपने दिमाग में प्रोसेसिंग की कि हाँ इसका आंसर ये है, और वो अपने आंसर को लिखने बैठ गया। तो यहाँ पे तो हो रही है डीप प्रोसेसिंग क्योंकि उसने घर में पढ़ा था, उस चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड किया था, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको याद थी और उस इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉल कर पा रहा था और अपने पेपर में उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा था। और जो दूसरा फ्रेंड है वो तो अपने फ्रेंड के ऊपर बिल्कुल ही डिपेंडेंट था, उसने अपने फ्रेंड को बोला दिखा, तो वो लिखता जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ वर्ड्स को लिख रहा है, उसको उस वर्ड्स के मीनिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो उसके लिए वो जो वर्ड्स हैं या फिर वो आंसर है वो एक शैलो प्रोसेसिंग है, मतलब उसके हिसाब से वो बस अल्फाबेट्स है, उनका कोई मतलब नहीं है। पर जो आगे वाला दोस्त है वो उनको सोच समझ के लिख रहा है। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो डीप थिंकिंग होती है उसके साथ हमारा कोई एक्सपीरियंस या फिर हमारी कोई मेमोरी एसोसिएटेड होती है, और जो शैलो थिंकिंग होती है उसमें सिर्फ फॉन्ट्स देखते हैं हम, कलर्स देखते हैं या फिर किसी चीज़ की साउंड कैसी है उसके बारे में ही सोचते हैं।
अब जैसे उन्होंने दूसरों की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, तो जाहिर है उनकी थ्योरी को भी कोई क्रिटिसाइज करेगा। तो उनकी थ्योरी में तीन क्रिटिसिज्म दिए गए हैं। पहला, वो अपने मॉडल में कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल है, जिनसे हम कोई मतलब निकाल पाते हैं, या फिर उसका कोई पैटर्न है, या फिर उसके बारे में हमें कोई एक्सपीरियंस है, उसी इंफॉर्मेशन को हम याद रख पाते हैं। पर जो क्रिटिसिज्म है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी कुछ इवेंट होते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जो इंटरेस्टिंग, जो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होते, पर फिर भी हम उनको याद रख पाते हैं। तो पहला क्रिटिसिज्म कहता है कि इट सीम्स टू से लिटिल मोर देन दैट अ मीनिंगफुल इवेंट्स आर वेल रिमेंबर अ मेंटेन्ड कंक्लूजन। उसके बाद जो सेकेंड क्रिटिसिज्म है वो ये है कि एक बहुत ही वेग थ्योरी है, बिल्कुल भी टेस्टेड थ्योरी नहीं है, इसके बारे में कोई भी टेस्ट नहीं किया गया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि ये अपने मॉडल में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि डीप प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है। इट इज़ सर्कुलर इन दैट एनी इवेंट्स दैट आर वेल रिमेंबर्ड आर डेजिग्नेटेड डीपली प्रोसेस्ड विद नो ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट इंडेक्स ऑफ डेप्थ अवेलेबल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में, और उसके बारे में जो क्रिटिसिज्म किए गए हैं उन पॉइंट्स को भी हमने जाना। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है एमए साइकोलॉजी में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसकी फर्स्ट बुक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, आज इस टॉपिक के साथ वो सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं ख़त्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और मैं ऐसे ही लाती रहूँगी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय। थैंक यू।